देश में तेजी से बढ़ता कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से लोगों को चिंता बढ़ा रहा है। तीसरी लहर के बाद जहां एक समय ऐसा लगने लगा था कि अब कोरोना से मुक्ति मिल जाएगी, इसी बीच ओमिक्रॉन और उसके सब वेरिएंट के कारण लोगों की मुश्किलें दोबारा बढ़ गई हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि जिस तरह से अध्ययनों में नए वेरिएंट की संक्रामकता दर अधिक देखी जा रही है, वो निश्चित ही डराने वाली है। इससे बचाव के लिए हमें सभी को विशेष सावधानी बरतते रहने की आवश्यकता है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का लगातार पालन करते रहने के साथ इम्यूनिटी को मजबूत करने वाले उपायों को लेकर भी प्रयास करते रहने होंगे। शोध बताते हैं कि जिन लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत है, उनमें ओमिक्रॉन के संक्रमण का जोखिम कम होता है। मजबूत इम्यूनिटी सिर्फ कोरोना ही नहीं, कई प्रकार के अन्य वायरल और बैक्टीरियल संक्रमणों के जोखिम से भी आपको सुरक्षित रखने में मदद करती है। कोरोना महामारी की शुरुआत से ही लोगों ने प्रतिरक्षा प्रणाली को करने के प्रयास किए हैं। आइए जानते हैं किन कारणों के आधार पर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपकी इम्यूनिटी पावर कोविड संक्रमण से बचाव और मुकाबले के लिए कम है। ऐसी स्थितियों में तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता होती है। कमजोर इम्यूनिटी और कोविड-19। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली आप में कोरोना संक्रमण के खतरे को बढ़ा देती है। जब वायरस श्वसन मार्ग में शरीर में प्रवेश करता है, तब इससे मुकाबला करके वो ही निष्क्रिय कर देती है। वहीं जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, इसमें संक्रमण बढ़ जाता है और गंभीर रूप लेने का खतरा होता है। हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर जैसी स्थितियों में स्वाभाविक तौर पर प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। यही कारण है कि ऐसे लोगों में संक्रमण होने और इसकी गंभीरता का खतरा अधिक होता है। आइए जानते हैं कि किन लक्षणों के आधार पर इम्यूनिटी पावर की कमजोरी का अंदाजा लगाया जा सकता है। बार बार सर्दी जुकाम होना। वयस्कों के लिए साल में 2 से 3 बार सामान्य सर्दी जुकाम होना सामान्य है। हालांकि अगर मौसम बदलते ही आपको छींक आना या बुखार शुरू हो जाता है, तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है। ये आपकी कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली का संकेत हो सकता है। जिन लोगों की इम्यूनिटी पावर कमजोर होती है, उनमें अन्य लोगों के मुकाबले मौसमी बुखार और संक्रमण का खतरा अधिक होता है। ऐसे लोगों को प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने वाले उपायों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।